हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। देखिए स्टूडेंट्स, आरसी ऑसिलेटर को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है कॉन्टिन्यूस रिपीटेड अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स, वो भी बिना किसी इनपुट के। ऑसिलेटर बेसिकली एक एम्पलीफायर ही होता है विद पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। मींस जो हम फीडबैक सिग्नल एम्पलीफायर को देंगे वो इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेस में होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का ऑसिलेटर है जिसका नाम है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ये एक टाइप है आरसी ऑसिलेटर्स का, क्योंकि इसमें जो हम फीडबैक सर्किट यूज करेंगे उसमें हम रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स का यूज करेंगे। वेन ब्रिज ऑसिलेटर एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी साइन वेव ऑसिलेटर है जिसको सबसे पहले डेवलप किया था मैक्स वेन ने इन 1891 फॉर द मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंसेस। ये एक आरसी ऑसिलेटर है जिसमें हम फीडबैक सर्किट में यूज करेंगे वेन ब्रिज नेटवर्क। दिस इज अवर वेन ब्रिज नेटवर्क, जिसकी हमारे पास चार आर्म्स होंगी। वो चार आर्म्स कौन कौन सी हैं? एक है आर्म ए बी, दूसरी आर्म है बी सी, एक आर्म है सी डी और चौथी आर्म है डी ए। ये जो आर्म है ए बी आर्म और ये जो बी सी आर्म है, इसमें हमने आरसी नेटवर्क यूज किए हैं। ए बी आर्म में हमने एक सीरीज आरसी नेटवर्क यूज किया है जिसमें एक रेजिस्टेंस आर वन एंड सी वन जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। बी सी आर्म जो है वो भी एक आरसी नेटवर्क है जिसमें हमने एक रजिस्टर आर टू एंड कैपेसिटर सी टू को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। बाकी जो दो आर्म्स हैं सी डी एंड डी ए, ये प्योरली रेजिस्टिव आर्म्स हैं जिसमें हमने दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं। एक रेजिस्टेंस इस आर्म में कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टेंस इस आर्म में कनेक्ट किया है। तो ये जो वेन ब्रिज नेटवर्क है इसमें हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस होंगे, एक दो तीन चार, और दो कैपेसिटर्स होंगे। और ये जो नेटवर्क है ये फीडबैक नेटवर्क का काम करेगा। और इसमें जो हम एम्पलीफायर यूज करेंगे उसमें हम यूज करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर मींस ऑप एम्प। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहां से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज अ ऑडियो फ्रिक्वेंसी साइन वेव ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है वो एक साइन वेव ऑसिलेटर है जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट इज इट वॉज डेवलप्ड बाई मैक्स वेन इन 1891 फॉर द मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंसेस। इस ऑसिलेटर को डेवलप किया था मैक्स वेन नाम के साइंटिस्ट ने 1891 में डेवलप किया था, और ये उन्होंने डेवलप किया था इम्पीडेंसेस की मेजरमेंट्स के लिए। इट इज एन आरसी ऑसिलेटर विच यूजेज वेन ब्रिज सर्किट एज अ फीडबैक नेटवर्क। ये एक प्रकार का आरसी ऑसिलेटर है क्योंकि इसमें जो हम फीडबैक नेटवर्क यूज करेंगे वो डिफरेंट रेजिस्टर्स एंड डिफरेंट कैपेसिटर से मिला के बना होगा, और इस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलते हैं वेन ब्रिज नेटवर्क, और इसे ही हम फीडबैक सर्किट की तरह यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर वेन ब्रिज नेटवर्क में हमारे पास क्या क्या लगा हुआ है। वेन ब्रिज सर्किट हैज अ सीरीज आरसी नेटवर्क इन वन आर्म एंड अ पैरेलल आरसी नेटवर्क इन एडजॉइनिंग आर्म। वेन ब्रिज नेटवर्क में एक आर्म में तो सीरीज आरसी सर्किट होता है जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे होते हैं, और इसके साथ लगती आर्म में मींस एडजॉइनिंग आर्म में एक पैरेलल आरसी नेटवर्क होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं।
The remaining two arms are purely resistive, in which resistances R4 and R3 are connected. और बाकी जो दो आर्म्स हैं CD एंड DA वो प्योरली रेजिस्टिव होती हैं, जिसमें हम रेजिस्टेंस R3 एंड R4 कनेक्ट करते हैं. दस वेन ब्रिज सर्किट कंसिस्ट ऑफ फोर रजिस्टर्स एंड टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन फोर आर्म्स AB, BC, CD एंड AD. तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेन ब्रिज नेटवर्क होगा, जो हमारा फीडबैक नेटवर्क होगा वेन ब्रिज ऑसिलेटर में, उसमें हमारे पास चार रजिस्टेंसेस होंगे, 1, 2, 3, 4, और दो कैपेसिटर्स होंगे और ये लगे होंगे फोर आर्म्स में. और वो फोर आर्म्स कौन सी हैं? AB, BC, CD एंड DA. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी ऑसिलेटर से सस्टेन्ड ऑसिलेशंस ऑब्टेन करनी है तो उस ऑसिलेटर को बर्खाउसन क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करना होता है. अकॉर्डिंग टू बर्खाउसन क्राइटेरिया, जो टोटल फेज शिफ्ट होना चाहिए अराउंड द सर्किट, अराउंड द क्लोज लूप, वो होना चाहिए 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वेन ब्रिज को इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस वेन ब्रिज में लगे हुए रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटर्स की वैल्यूज इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि वेन ब्रिज जो है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है. मींस किसी भी प्रकार का फेज शिफ्ट यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं होगा बाय वेन ब्रिज सर्किट, जो कि हमारा फीडबैक सर्किट है. तो ये 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर हमें जो एम्पलीफायर यूज करना होगा, जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, वो हमें यूज करना होगा नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प जो है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है. तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट किसका हो गया, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल फेज शिफ्ट जो है वो 0 डिग्री रहेगा, और यू कैन से 360 डिग्री रहेगा. सो दैट बर्खाउसन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड एंड वी कैन गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस फ्रॉम वेन ब्रिज ऑसिलेटर. तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसमें आप और क्या लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज वेन ब्रिज सर्किट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज शिफ्ट. ये जो हमारा वेन ब्रिज सर्किट है, जो कि हमारा यहाँ पर फीडबैक सर्किट है, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसमें लगे हुए रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स की रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस इस तरह से सेलेक्ट की जाती हैं कि ये सर्किट जो है किसी भी प्रकार का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं करता. देयरफॉर द एम्पलीफायर दैट वी आर यूजिंग इन दिस ऑसिलेटर इज नॉन इनवर्टिंग ओपैम्प विच डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज शिफ्ट, सो दैट टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री बर्खाउसन क्राइटेरिया. तो हमें यहाँ पर जो एम्पलीफायर यूज करना होगा, जो ओपैम्प यूज करना होगा, वो नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प यूज करना होगा. नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प जो है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, सो दैट इन दोनों को मिलाकर जो टोटल फेज शिफ्ट हमें मिलेगा वो 0 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री होगा. सो दैट बर्खाउसन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड एंड वी कैन गेट सस्टेन्ड ऑसिलेटर्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज वेन ब्रिज ऑसिलेटर. द आर्म्स AB एंड BC आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स एज इट कंट्रोल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. ये जो दो आर्म्स हैं, ये जो दो RC नेटवर्क हैं, एक सीरीज RC नेटवर्क है, एक पैरेलल RC नेटवर्क है, इन दोनों आर्म्स को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स, क्योंकि ये दोनों आर्म्स में लगे हुए रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स की वैल्यू सी हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हैं उसको डिसाइड करती हैं. जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का एक्सप्रेशन आएगा उसमें ये चारों टर्म्स होंगी, उसमें R1 भी होगा, C1 भी होगा, C2 भी होगा, R2 भी होगा. तो इनकी वैल्यूज को चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट. इसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इस ऑसिलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या रहने वाली है, उसका एक्सप्रेशन भी हम ड्राइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करें, एक चीज आप नोट यहां पर कर लीजिए कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर इसी सर्किट को हमें दूसरे वे में ड्रॉ करना हो तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. यह है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प. यहाँ पर R4 जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है इसके साथ, तो R4 जो है यहाँ पर
वो एक फीडबैक रजिस्टर का काम करेगा और R3 जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है, माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो R3 को आपने माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये पार्ट, ये सीरीज RC नेटवर्क और ये पैरेलल RC नेटवर्क जो है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। ये देखिए, ये दोनों पार्ट जो हैं वो प्लस से कनेक्टेड है, तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आउटपुट होगी इस एम्पलीफायर की, वो क्या करेगी, वो इस वेन ब्रिज सर्किट के लिए इनपुट का काम करेगी और इस सर्किट की जो आउटपुट होगी, जो की होगा फीडबैक सिग्नल VF, वो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम बाहर से कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं। इस वेन ब्रिज सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इनके अंदर जो थर्मल नॉइस प्रोड्यूस होगी, वही थर्मल नॉइस जो है वो इस एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगी। थर्मल नॉइस में बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफायर जो है वो सेलेक्ट करेगा और उसे एम्पलीफाई करेगा और उसी फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जिसका एक्सप्रेशन भी हम ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फीडबैक सर्किट को अलग से कंसिडर करेंगे। तो इस फीडबैक सर्किट को जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन्स में शो किया हुआ है, उसको अलग से बना लिया है। यह हमारे पास सीरीज RC नेटवर्क C1 R1 और उसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल RC नेटवर्क C2 R2 जिसमें पैरेलल में कनेक्टेड है। और इस फीडबैक सर्किट की जो इनपुट होगी वो ये होगी वी आउटपुट VO, जिसको मैंने VO नाम दे दिया, और जो इस सर्किट की आउटपुट होगी वो होगा फीडबैक सिग्नल VF, और ये फीडबैक सिग्नल VF जो है इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगा। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, इसी सर्किट को यूज करते हुए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हुए हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट भी ग्राउंडेड है और ये पार्ट भी ग्राउंडेड है। अगर हम इन दोनों तारों को, इस वायर को और इस वायर को आपस में ज्वाइन कर दें और दोनों को मिला के ग्राउंडेड कर दें, तो हमें सेम यही सर्किट मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कुछ इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आने वाले सेक्शंस में हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, इसको और इसको मैं रब करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आप हेडिंग बनाएंगे डेरिवेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें ऑसिलेटर से मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलती है। तो डेरिवेशन को सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 इसको R मान लेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनको हम इक्वल रेजिस्टेंस मान लेंगे और इन इक्वल रेजिस्टेंस को वैल्यू दे देंगे हम R, और जो हमारे कैपेसिटेंसेस हैं C1 C2 इसको भी हम इक्वल मान लेंगे और इन दोनों की वैल्यूज को हम मान लेंगे C। दिस इज ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डेरिवेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज RC नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस सीरीज RC नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे ZS, और इस पैरेलल RC नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और उसको नाम देंगे हम ZP। तो हमें ZS फाइंड करना है, ZP फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे ZS इज इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में इन दोनों को आपने एड कर देना है, R प्लस XC, और जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम XC से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/j ωC। तो आप LCM लेंगे, R/1 करेंगे तो LCM आ जाएगा j ωC, तो j ωC के साथ R मल्टीप्लाई हो जाएगा R j ωC + 1। ये आ गई हमारे पास ZS की वैल्यू, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। अब हमें ZP की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल RC नेटवर्क। तो R जो है वो C के साथ पैरेलल में है और C की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो होगी XC। तो आप लिखेंगे ZP इज इक्वल टू R पैरेलल XC, और जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और इन दोनों को ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, R × XC / R + XC। यहाँ पर XC को हम रिप्लेस करेंगे 1/j ωC से, तो आपको मिलेगा ZP इज इक्वल टू R × 1/j ωC R + 1/j ωC।
तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास आर अपॉन जे ओमेगा सी, और नीचे आपको एलसीएम लेना होगा आर अपॉन वन करके, जे ओमेगा सी एलसीएम आ जाएगा, जे ओमेगा सी आर से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आर जे ओमेगा सी, और यहाँ पर प्लस वन एजिटिव आ जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा जेड पी इज इक्वल टू आर अपॉन आर जे ओमेगा सी प्लस वन, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमने जेड एस फाइंड कर लिया है, जेड पी फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करनी है वी एफ। तो वी एफ को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। वी एफ जो है इस सर्किट की आउटपुट वोल्टेज है, तो वी एफ जो होगा वो होगा इक्वल टू वी एफ जो है वो इसके अक्रॉस हमें मिल रही है, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है जेड पी। तो यहां पर हम लिखेंगे जेड पी, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है आउटपुट वोल्टेज, वो ऊपर आता है नीचे आता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का जेड पी प्लस जेड एस, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबको ऐड कर देना है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जेड पी है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जेड एस है, तो आपको नीचे इन दोनों को ऐड कर देना है। इनटू में आता है हमारे पास इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कौन सी है इस सर्किट के लिए, वो है वीओ। तो यहां पर आप लिख देंगे वीओ, तो यहां से वीएफ बाय वीओ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जेडपी बाय जेडपी प्लस जेडएस। ये है आउटपुट वोल्टेज फॉर द फीडबैक सर्किट, दिस इज द इनपुट वोल्टेज फॉर द फीडबैक सर्किट, और जो रेशियो होती है आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज फॉर अ फीडबैक सर्किट, उसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल बीटा फीडबैक फ्रैक्शन से। तो जेड पी अपॉन जेड पी प्लस जेड एस आ गया, बीटा की वैल्यू ये आ गई, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहां पर जेड पी जेड एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जेड पी एंड जेड एस की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन उठा के थर्ड में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग वन एंड टू इन थ्री वी गेट बीटा इज इक्वल टू जेड पी की वैल्यू हमारे पास आर अपॉन वन प्लस आर जे ओमेगा सी, जेड पी की वैल्यू हमारे पास आर वन प्लस आर जे ओमेगा सी प्लस जेड एस की वैल्यू हमारे पास वन प्लस आर जे ओमेगा सी बाय जे ओमेगा सी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे एलसीएम, तो आपको मिलेगा आर अपॉन वन प्लस आर जे ओमेगा सी, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, वन प्लस आर जे ओमेगा सी इंटू जे ओमेगा सी। तो जे ओमेगा सी जो है वो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जे ओमेगा सी प्लस वन प्लस आर जे ओमेगा सी, इस वन प्लस आर जे ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा वन प्लस आर जे ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस टर्म से ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और ये जे ओमेगा सी जो है वो आर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू आर जे ओमेगा सी, ये जे ओमेगा सी ऊपर चला गया, और नीचे रह गया आपके पास आर जे ओमेगा सी, और यहां पर आपको आइडेंटिटी लगानी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि होती है ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो आपको मिलेगा टू आर जे ओमेगा सी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये है हमारे पास वन आर जे ओमेगा सी, ये है हमारे पास टू आर जे ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा थ्री आर जे ओमेगा सी, इस वन को हम आगे लिख देते हैं, और जे स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस वन। तो ये आगे हमारे पास बीटा की वैल्यू, इसको हम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स सस्टेंड ऑसिलेशन के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है कि क्लोज्ड लूप में हमारे पास जो हम फेज शिफ्ट होना चाहिए वो जीरो डिग्री होना चाहिए या फिर 360 डिग्री होना चाहिए, वो तो सेटिस्फाई हो रही थी कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास ए और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो वन होना चाहिए, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी। ए यहाँ पर क्लोज लूप वोल्टेज गेन है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का, और बीटा हमारे पास है फीडबैक फ्रैक्शन जो हमने निकाल लिया है। तो आप लिखेंगे लाइन पहले, वी नो दैट फॉर एनी ऑसिलेटर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेंड ऑसिलेशंस इज मॉड ऑफ ए बीटा इज इक्वल टू वन। अब हमें ए की वैल्यू देखनी है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन होता है वो इतना होता है ए इज इक्वल टू वन प्लस आर फोर बाय आर थ्री। देखिए जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था वेन ब्रिज ऑसिलेटर का, तो हमने यहां से फीडबैक रजिस्टर जो लिया था वो आर फोर लिया था, और यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट था आर थ्री, और यहां से इसको हमने ग्राउंड किया हुआ था।
तो जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन होता है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में वो इतना होता है 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टर आर फोर डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस आर थ्री। तो ये एक्सप्रेशन हम पिछले वीडियोस में ड्राइव कर चुके हैं जब हमने नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प को पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ए की वैल्यू इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो ए की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 4 और 6 इक्वेशन उठा के यहाँ डालते हैं 5th इक्वेशन में। तो ए की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस आर फोर बाय आर थ्री और बीटा की वैल्यू आपके पास आर जे ओमेगा सी बाय 1 प्लस थ्री आर जे ओमेगा सी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर और ये इक्वल टू 1 होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा और काम बचा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में। पिछले सेक्शन में हम यहां तक कर चुके थे, अब आप क्या करेंगे इस टर्म को ये जो डिनोमिनेटर में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस आर फोर बाय आर थ्री साथ में है आर जे ओमेगा सी और ये टर्म जो है 1 से मल्टीप्लाई होके राइट हैंड साइड में आ जाएगी तो आपको मिलेगा 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3 आर जे ओमेगा सी। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। अब हम दोनों तरफ रियल पार्ट्स भी कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी कंपेयर करेंगे। पहले हम रियल पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 7। देखिए यहाँ पर J लिखा हुआ है और ये पूरी टर्म जो है वो J से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है यहाँ पर लिखा हुआ वो एक इमेजिनरी टर्म है तो यहाँ पर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी रियल पार्ट नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे इज इक्वल टू में यहाँ पर जो बिना जे वाली टर्म्स है वो है 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारी इमेजिनरी टर्म है तो वो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई एफ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेंगे एफ आर, तो आप ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से एफ आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 पाई स्क्वायर, आप नीचे ले जाएंगे आर स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एफ आर की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर से सारे स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो एफ आर की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 पाई आर सी। तो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होंगे और दोनों कैपेसिटेंसेस जो है वो बराबर होंगी। अगर हमारे पास आर वन इक्वल टू आर टू ना हुआ और C1 C2 बराबर ना हुए तो उस केस में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी उसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट R1 R2 C1 C2। जब आप यहाँ पर R1 R2 की जगह R रखेंगे C1 C2 की जगह C रखेंगे तो आपको हूबहू सेम एक्सप्रेशन यही मिलेगा। सो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन R1 इज नॉट इक्वल टू R2 एंड C1 इज नॉट इक्वल टू C2। तो अब आगे बढ़ते हैं इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 7। दोनों तरफ के इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जे का कॉफिशियंट क्या है, जे का कॉफिशियंट हमारे पास 1 प्लस आर फोर बाय आर थ्री साथ में है आर ओमेगा सी, वो हमने लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ पर जे का कॉफिशियंट क्या है वो है 3 आर ओमेगा सी 3 आर ओमेगा सी। तो ये हमने इक्वेट कर दिया इमेजिनरी पार्ट्स। तो आर ओमेगा सी से आर ओमेगा सी कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 प्लस आर फोर बाय आर थ्री इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आर फोर बाय आर थ्री की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ से आर फोर आ जाएगा 2 आर थ्री। तो अगर आपने सस्टेंड ऑसिलेशंस ऑब्टेन करनी है तो आपका जो आर फोर होना चाहिए वेन ब्रिज सर्किट के अंदर फीडबैक नेटवर्क के अंदर वो ट्वाइस ऑफ आर थ्री होना चाहिए। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को सेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम में यहां तक करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।